चुनाव का बिगुल बजते ही उम्मीदवारों में नामांकन दर्ज करने की होड़ लगी थी। आखिरी दिन तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दर्ज किए गए। इन उम्मीदवारों में से एक है राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रमन ठक्कर, और इनसे चुनावी रणनीति पर बात की है हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष शिव भेंडी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महासचिव राजू पठान, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महासचिव सुशांत पाची, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महासचिव शेखर अकदुरकर, अब्दुल कलाम, शाहिद शेख आदि उपस्थित थे। आइए डालते हैं एक नजर। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और साथ ही वर्तमान में एपीएमसी चुनाव के राष्ट्रवादी के उम्मीदवार जो है रमन ठौकर, इनका आज जन्मदिन है। इसी अवसर पर हम उन्हें बीसीएम की ओर से, पूरी टीम की ओर से बधाई देते हैं। और साथ ही जो एपीएमसी चुनाव आ रहे हैं सर, उसके आप उम्मीदवार हो, आपने उम्मीदवारी दर्ज की है, क्या बताओगे किस तरह की रणनीति है आपकी आने की? कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक पद के लिए मैं व्यापारी गढ़ से खड़ा हूँ। 2242 वोट है यहाँ, और इसमें मिर्ची से लेके, फ्रूट से लेके, कपास से लेके, बैल से लेके, सब्जी से लेके, राशन से लेके, ये सब मतदान के वोटर रहते हैं। और इस बार एक नया समीकरण बोल के कृषि उत्पन्न बाजार संचालक पद के उम्मीदवार के रूप में मैं उतरा हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जो दुनेश्वर पेटी जी है, हमारे माजी मंत्री रमेश बंग जी है, सुनील केदार जी है, अनिल देशमुख जी है, इन सब लोगों से मेरे अच्छे परिचित होने के कारण उन लोगों से मैं अपना समर्थन मांगने वाला हूँ। राजनिंग के जो अध्यक्ष है अग्रवाल जी है, बगले जी है, मुफड़े जी है, इन लोगों से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, और हमेशा ही कलमना क्षेत्र से मेरा नाता रहा है, और मैं हमेशा ही उनकी समस्या को लेकर हमेशा कृषि उत्पन्न बाजार समिति के लिए आंदोलन खड़े कर चुका हूँ। वहाँ की साफ सफाई से लेकर, वहाँ का बांधकाम से लेकर, वहाँ की लोगों की समस्या से लेकर, उनके व्यापारी की समस्या से लेकर, क्षेत्रीय लोगों के जो अनाज की समस्या से लेकर, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा कि कलमना क्षेत्र के अंदर अनाज लाया और पानी आ गया और पानी से अनाज भीग गया और वो किसान की फसल में बहुत बड़ी नुकसान हो गया। एक अच्छी फसल लाने के बाद भी कलमना में जो असुविधा है, उसके क्षेत्र के लिए क्षेत्रकारी और व्यापारी दलालों की समस्या हल करने के लिए मैं संचालक पद की उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ। बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि वहाँ की समस्याएं हैं, साथ ही यह भी एक मतलब तीन कृषि कानून आए हैं जिसमें दलाली को खत्म किया जा रहा है, ऐसा भी उसमें एक कानून है, इस पर भी आप कुछ काम करोगे अगर आप चुनकर आते हैं तो? देखिए, वो देश का किसानों का आंदोलन है और उसके खिलाफ में हम आंदोलन खड़ा तो कर रहे हैं। कारण क्या है, 27 तारीख को हमारा वैरायटी स्क्वायर में सभी दल मिलाकर एक आंदोलन खड़ा होने वाला है, जहां 11 बजे वैरायटी चौक गांधी पुतले के सामने हमारे शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पीठे और हमारे माजी मंत्री रमेश बंग जी के नेतृत्व में वहाँ पर सभी दलों को समर्थन देते हुए हम वहाँ पर भारत बंद का वो आंदोलन 27 तारीख को 11 बजे चालू कर रहे हैं। बिल्कुल, आज आपका जन्मदिन है, इस अवसर पर क्या संकल्प आपने आज के दिन किया है, क्या बताओगे? क्या जन्मदिन के अवसर पे मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि एक लोगों के बीच में मददगार जैसा काम करना चाहिए, लोगों की हमेशा सेवा करना चाहिए, जिनकी समस्या है उनके लिए दौड़ना चाहिए। अभी जैसा कोरोना आया तो बहुत से लोगों को बीमारी में दवाखाने नहीं मिले, उन लोगों की सेवा करना चाहिए। कई लोग भूखे रह गए जिनके घर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कई लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले, उन लोगों की मदद करना चाहिए। एक सेवा दृष्टिकोण की भावना हमेशा रखते हुए मैं अपना जन्मदिन मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एपीएमसी चुनाव जो है आप लड़ रहे हो, तो उसके लिए अजेंडा क्या, किस तरह का अजेंडा है? देखिए, एपीएमसी चुनाव जो है कृषि उत्पन्न बाजार समिति का, उसके अंदर बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा है, जैसे कि गया वो ग्रामीण से भी यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर हमालों से भी लोग आते हैं, दलाल से भी है, व्यापारी से भी है, इस प्रकार से एक 18 लोगों का संचालन बनता है, सभी लोग अपने चुनाव में खड़े। अभी सभी लोगों ने फॉर्म भरा है, मैंने भी फॉर्म भरा है, और मैं पूरी तैयारी के साथ में इसमें उतरा हूँ।
और अभी जो जिन 27 तारीख को जो फार्म की सब चेकिंग होने के बाद में वहाँ पर कितने लोगों का फार्म रिजेक्ट हुआ और कितने लोग चुनाव लड़ेंगे उसके बाद में ये सब चीज़ें यानी उसके अंदर पैनल बनेंगे, उसके अंदर सुनील केदार, रमेश बंग जी, दुनिश्वर पेटी जी, ऐसे सब लोग मिला के एक पैनल बनाएंगे। वो कुछ बाहर के लोग भी पैनल बनाएंगे, कुछ अपक्ष के लोग पैनल बनाएंगे और एक मजबूत वोट बैंक लेके मैं इस इलेक्शन में खड़ा हूँ। मेरी रणनीति है लोगों की सेवा करना, व्यापारियों को मदद करना, दलालों को मदद करना, शेतकरी लोगों की समस्या हल करना, कलमना की गंदगी हटाना और नए लोगों को वहाँ पर लाइसेंस मिले, व्यापारी का लाइसेंस मिले, नए लोग वहाँ पर आए, इस दृष्टिकोण की रणनीति लेके मैं चुनाव में खड़ा हूँ। तो हमने देखा कि रमन ठौकर जी ये भी एपीएमसी चुनाव के जो उम्मीदवार हैं और इनकी ये एजेंडा है, इनका ये रणनीति है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका उन्हें मदद करना और वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं एपीएमसी कृषि उत्पन्न बाज़ार का कलमना में जिस तरह की मूलभूत सुविधा देना है वो सब सुविधा वहाँ उपलब्ध करा देना, इसी एजेंडे के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं रमन ठौकर जी। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।